अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन लॉलीपॉप्स बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से कटे हुए 7 से 8 चिकन लॉलीपॉप लिए हैं। इस तरह से आप लॉलीपॉप के शेप में इसे कट करवा लें। आप ध्यान दें कि इसकी जो बोन्स है इस तरह से दिखनी चाहिए। अब आप इसे अच्छे से धो लें। धोने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम सबसे पहले ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच के करीब नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा भी सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे विनीगर। अगर आपके पास विनीगर ना हो तो आप इसमें नींबू का जूस ऐड कर दें 1 टेबल स्पून। अब हम इन सब मसालों को अच्छे से इन चिकन लॉलीपॉप्स में मिक्स करेंगे। आप चाहें तो अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून के करीब मैदा। मैदा और कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें हाथों की मदद से। उसके बाद हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप चाहे तो फ्रिज में रखें या फिर आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं। 4 से 5 घंटे के लिए आपको इसे लाजमी मैरिनेट करना है। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब मैदा और 1 टेबल स्पून के करीब चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल ना हो तो आप सिर्फ मैदा ऐड करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका एक बैटर बना लेंगे। आपको बैटर ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसका बैटर बनाएं और आप ध्यान दें कि इसमें कोई लम्स ना रहे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा बैटर बना लिया है। बिल्कुल बैटर कुछ इस तरह का दिखना चाहिए। अब हम इसमें रेड फूड कलर ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच के करीब आप इसमें रेड फूड कलर ऐड कर लें। रेड फूड कलर ऐड करने के बाद आपको इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो हमारा बैटर है उसमें एक अच्छा सा रेड कलर आ जाए। ये देखिए बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, ज़्यादा पतली भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं। अब हम एक एक करके इन चिकन लॉलीपॉप को इस बैटर में डिप करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब गैस का फ्लेम स्लो पे रखें और एक एक करके इन चिकन लॉलीपॉप्स को कढ़ाई में डाल दें। आपको इसे एक साइड से 3 से 4 मिनट तक कुक करना है। आप चाहे तो इसे ढक के भी पका सकते हैं ताकि आपका चिकन अंदर तक बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाए। अब आप इसे पलट लें। 3 से 4 मिनट जब एक साइड से ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप इसे पलट लें और आपको इसे स्लो फ्लेम पे ही कुक करना है वरना ये कच्चे रह जाएंगे। इस तरह से आप इसे पलट ले और इसे फिर से 3 से 4 मिनट तक दूसरी साइड से कुक कर ले और फिर आप इसे निकाल लें। इसी तरह से आप इसके दूसरे बैच को भी छान लें। ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे चिकन लॉलीपॉप्स को फ्राई कर लिया है। अब हम उसी ऑयल को अच्छे से हाई फ्लेम पे गर्म कर लेंगे और फिर से एक एक करके चिकन लॉलीपॉप्स को इसमें डाल देंगे। डबल फ्राई करने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं।
आपको इसे हाई फ्लेम पे ही एक एक करके डाल लेना है और इसे अच्छे से फ्राई करना है। आप ध्यान दें कि आपके चिकन लॉलीपॉप्स जले ना। इसे आप पलट लें और इसे दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन कर लें, बिल्कुल इस तरह से। जब ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप इसे निकाल लें। लॉलीपॉप बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसे निकाल लूँगी। आप इसे टोमेटो केचप और सैलेड के साथ सर्व करें। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।